कि आज मेरे हस्बैंड का मन था चाय पिलाने का, यू वोंट बिलीव 15 किलोमीटर हमको और आगे आना पड़ा है। चावल सो रहा है तो सही लगाओ भैया। और क्या। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आई थिंक 3 और 4 डेज के बाद मैं आज आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था, आई डोंट नो क्यों, व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से कोई भी व्लॉगिंग नहीं की। मैंने जो मेकअप ट्यूटोरियल्स शूट किए हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई हैव टू टेल यू वन थिंग, आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि क्या मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि बींग अ वर्किंग वुमेन एंड आई एम इन अ वेरी, यू नो, बहुत ही छोटा प्लेस होता है मेरे पास व्लॉगिंग करने का, जस्ट ये रूम ही है मतलब, और मैं चूंकि प्रोफेशनली एक जगह काम करती हूँ तो मैं वहाँ पर भी व्लॉगिंग नहीं कर सकती, तो मैं व्लॉग बहुत ही बहुत मेरा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हो जाते हैं व्लॉगिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है डेली टू डेली मैं क्या आपको नया कॉन्टेंट दूँ, रूम में क्या व्लॉगिंग करूँ, आई डोंट नो आपको पसंद आएगा कि भी नहीं। तो मैंने ऐसा सोचा है बिकॉज मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था दैट आप लोगों को कौन से वीडियोस चाहिए हैं, उसमें मेकअप ट्यूटोरियल, व्लॉग, चैलेंजिंग वीडियो एंड वन समथिंग ऑल, 4 ऑप्शंस थे जिसमें कि सबसे ज़्यादा वोट जो मिले हैं 63% वो मिले हैं मेकअप को। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं मेरे मेकअप और जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो मैं इसी चैनल पे शेयर करूँ, बिकॉज दिस इज़ माय मेन चैनल। जो सचिप्रा पांडे वो मेरा दूसरा चैनल है, मैं उस पर भी शेयर करूँगी क्योंकि उस वाले चैनल पे मेरे सारी ड्रैपिंग के वीडियोस ज़्यादा वायरल होते हैं। इनफैक्ट अभी एक वीडियो जो है वो अच्छा, उसमें व्यूज़ आया है 5000 के ऊपर आ गया, जबकि चैनल वो बहुत छोटा है, बट फिर भी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों ना मेकअप के जो मेरे वीडियोज़ है, चूँकि मेरा इस चैनल पर नए नए लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे मेकअप एक वीडियो वायरल हुआ है उसके थ्रू ऐड हुए, तो वो मुझसे मेकअप के वीडियोस चाहते हैं। सो आई थॉट कि मैं व्लॉगिंग भी आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम शेयर करती रहूं जब कुछ अच्छा हो, और साथ साथ में मैं मेकअप भी आपके साथ में शेयर करती रहूं, और मेन फोकस जो है मेरा इस चैनल पे करूं, बिकॉज दिस इज माय मेन चैनल। दो चैनलों को संभालने के चक्कर में मुझे लगता है कहीं मैं इस चैनल को कम कॉन्टेंट तो नहीं दे रही हूं। तो प्लीज़ कॉमेंट करिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं कि क्या मैं सही सोच रही हूं या मैं मतलब गलत सोच रही हूँ, इसमें व्लॉग्स ही डालूँ, जैसा भी आप लोगों का है मत, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, सुबह का हो रहा है 8:05 एंड अब चल रही हूँ मैं स्कूल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे राम भैया भी रेडी हो चुके हैं, पता नहीं क्यों इतने गुस्से में खड़े हैं, क्यों खड़े हो इतने गुस्से में, क्या हुआ? मेरे पापा का है। आपके पापा स्कूल गए, चलो हम लोग भी चल रहे हैं। मम्मी पापा स्कूल गए। हाँ, आपको भी चलना है? हाँ। चलो, इतना शांत शांत क्यों हो, क्या हुआ? अच्छा करो, मैं तो व्लॉगिंग कर रही हूँ। हाँ, अभी हम लोग स्कूल में चलेंगे, फिर आप स्कूल में वीडियो बनाना, ठीक है? ओके मम्मा। ओके मम्मा, आई लव यू राम भैया। आई लव यू। सबको भी आई लव यू बोल दो। आई लव यू। आज राम भैया ने बोल दिया, आज राम भैया ने हेलो नहीं बोला। तो चलिए चलते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, सचिप्रा पांडे जो मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज़ उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। Light me up with a bright smile on now. Me in the dark. आओ, 8 हो रहा है बाबू। यार इतना सारा सामान है, ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। तो चलिए चलते हैं और अब आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो मेरा मुंह में क्या है। इवनिंग फ्रेंड्स, इवनिंग हो चुकी है एंड छुट्टी भी हो चुकी है। सो अब हम लोग जा रहे हैं इटावा, बिकॉज इटावा में बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारा, तो वो करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मोबाइल एकदम डिस्चार्ज है तो पहले चल के
मोबाइल को लगा देते हैं चार्जिंग में और उसके बाद फिर तुरंत रेडी होकर मैं निकल जाऊंगी। मुझे था कि मोबाइल डिस्चार्ज है, ऐसा ना हो कि मैं बता ना पाऊँ आप लोगों से, क्योंकि सडन प्लान में ना हमारा इटावा जाने का। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में पहली बार इटावा का शूट करूँगी व्लॉग, आज तक मैंने कभी भी इस स्कूल से बाहर का नहीं शूट किया है। तो चलो चलते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, तब तक मोबाइल भी चार्जिंग में लगा दूँगी। तो चलो चलते हैं। Light me up with a bright smile on now. Take me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell love in me. Then guys, तो अभी निकल दिए हैं टावर के लिए। पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही होगी या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा है और मजा ही मजा। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग इटावा के लिए एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 3:30 ही बज रहा था, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था क्योंकि हल्का सा कोहरा टाइप का था, फॉग था, उस वजह से बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। एंड लुक एट द व्यू, इतना प्यारा व्यू आता है यहाँ पर। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ज़्यादा ब्यूटी आती है कि मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, जस्ट आपको कैमरे में इसलिए मैंने शो कर दिया। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जिस काम के लिए हम लोग गए थे, बट वो काम हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो यहाँ पर फुल ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखा है हमने। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके लिए कमेंट करते हो कि दी आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। डेफिनेटली हम लोग सैनिटाइज़र मास्क वगैरह रखते हैं, बट क्या होता है ना, कई बार कैमरे के सामने वो चीज़ नहीं आ पाती तो आपको ऐसा लग जाता होगा, लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं, आप केयर करते हो। अभी है हम लोग इटावा में पहुँच चुके हैं और राम भैया क्या तो अलग ही जोन चलता है, वहाँ जा रहे हैं। अरे चलो इधर चलो चलो। तो जो हमारा काम था वो एक्चुअली हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो शायद मे भी कल फिर आना पड़े। तो अभी आगे अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। जो काम था वो तो नहीं हो पाया अब, क्योंकि नींद का टाइम है तो नींद आ रही है। तो अभी निकल रहे हैं, कहीं चाय वाय पियेंगे, आई थिंक ढाबे में चाय पियेंगे। सो देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। टमाटर कैसे दिए? टमाटर सही लगाओ भैया, और क्या है। अदरक तो है ना, टमाटर और प्याज ले दो भैया, प्याज प्याज है सबो। सो गाइज, इसके बाद हम लोग सीधे पहुंच गए थे यहाँ पे। हमने सुना था इस चाट के बारे में कि ये बहुत टेस्टी होती है, टावा की आई थिंक फेमस है ये यहाँ की। तो हम लोग यहीं पर आए थे टेस्ट लेने के लिए कि कैसा है क्या है। तो फर्स्ट टाइम खाया था तो, पर ये मेरा है मानना, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रही, मुझे बांदा के अकॉर्डिंग जो मेरे फेमस कुछ बहुत फेवरेट जगह हैं बांदा के अकॉर्डिंग, मुझे मोस्टली हर जगह की चाट पसंद नहीं आती या फुल्की पसंद नहीं आती। मुझे झांसी के भी बहुत पसंद है, लेकिन मतलब तो ठीक था बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना अच्छा बांदा का रहता है मेरे हिसाब से। तो बस ये है टिक्की जो कि बनने में देखने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी एंड हम लोगों ने थोड़ा सा खाया, इंजॉय भी किया साथ में। सो बस इसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए थे थोड़ा सा स्टेशनरी की शॉप पे। अभी हम चलेंगे इस तरफ, आओ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम आए हैं स्टेशनरी शॉप पे बिकॉज राम को कलर करना है और उसको कलर के लिए बुक भी लेना है। तो ये इनकी डिमांड थी, पहले साइकिल पे डिमांड थी, अभी इस पे डिमांड है। तो अभी ये सब कुछ परचेज़ करने आए हैं। और ये वो वाली बुक दीजिएगा जिसमें बने रहते बच्चे को कलर करना होता है। हाँ देखो, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए? देखो बुक कौन सी चाहिए, देखो ये वाली बुक चाहिए, वो दे दो, वो लूटो है, दे दो। बेटा आपकी बहुत गंदी आदत है सामान छूने की। देंगे अभी, रुक जाओ। ये कलर देखो, पापा ने कलर लिया, ये कलर। क्या चाहिए बेटा? वो कुछ नहीं है, वो लूडो का बेटा पासा है, लूडो का पासा है बाबू। हम लूडो नहीं खेलते हैं, शॉपिंग हो गई और इनकी शॉपिंग नहीं हुई अभी तक। तुम्हारी शॉपिंग नहीं हो रही, खत्म। कहाँ है जब?
की शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही। जाओ तुम जाओ। तो जी आ चुके हैं हम लोग एक ढाबे में, मन था चाय पिलाने का ढाबे में, मतलब कि यू वोंट बिलीव 15 किलोमीटर हमको और आगे आना पड़ा है चाय पीने के लिए, जस्ट चाय, मतलब चाय का इतना चस्का लगा हुआ है। तो ये एक बहुत सुंदर सी जगह है, यहाँ पर आए चाय पीने। एक्चुअली में ये एक हाईवे का ढाबा है, सो रियली एक्साइटेड एंड रियली फनी एंड लविंग ऑल्सो बिकॉज इट इज़, आई थिंक इट इज़ अ थ्रिल, नथिंग एल्स। एक चाय पीने के लिए आप 15-20 किलोमीटर आगे आए हो जो चाय आपको घर पर, लेकिन हाँ ढाबे की चाय क्या स्वाद ही कुछ और होता है। सो गए तो ये देखो राम भैया हमारे सो रहे हैं, वो बेचारा सो गया है, क्यूटू मेरा कृष्ण, वो देखो सामने हाईवे है। सो ये चाय तो हमेशा याद रहेगी और ब्लॉगिंग में भी हमेशा रहेगी। कैसा लग रहा है यहाँ के, बोले चाय तो बड़ी महंगी पड़ती है। मैंने ऐसे जस्ट बोला दैट मुझे आज ना ढाबे में चाय पीने का मन है, मेरी लिपस्टिक यहाँ से फट गई, मैंने बोला कि मुझे आज जस्ट ढाबे में चाय पीने का मन है एंड ही डिड इट। चाय पिला रहे चाय आ गई हमारी, चलो मैं आपको चाय दिखाती हूँ। तो जी ये रही ढाबे की कुल्हड़ वाली चाय, एंड आप लोगों में से किसको किसको ऐसे वाले थ्रिल करना पसंद है बताना ज़रूर कमेंट करके। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, बट मैंने सिर्फ ऐसे ही व्लॉगिंग में बोला था, मुझे था नहीं कि सचिन लेके जाएंगे बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गई थी, रात हो गई थी, तो लेकिन उन्होंने सुन लिया और समझा। वाह मज़ा आ गई, वाह वाह वा, सर्दी हो और बढ़िया मस्त ढाबे की चाय हो, मज़ा आ गया। इतनी अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों बैठते हो, जिसमें तुम देखो ना कैमरे में नहीं आना चाहते लगता है। कैसी है चाय, बहुत अच्छी